अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अगेन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, वो एक है बीइंग अ यूट्यूबर, जो एथिक्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं खुद वीडियोस बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ पिछले 10-15 साल से। और दूसरा यार, एक कंटिन्यूसली लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं यार हमें बिजनेस वीजा के मतलब बताओ, इन्वेस्टर वीजा के मतलब बताओ। तो कुछ उसके मतलब मालूम आता है सेकेंड पार्ट के अंदर। तो जो पहला पार्ट है ना, जब आप एक यूट्यूबर बनते हैं, ठीक है, पहले तो जो लोग वीडियोस देखते हैं उनका भी एक इखलाकी हक बनता है, लेकिन वो जो लोग नहीं समझते कमेंट करके चले जाते हैं, चले ठीक है। लेकिन जो एक बंदा बना रहा होता है ना, उसका एक बहुत ही लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है, ठीक है। हर किस्म के यूट्यूबर दुनिया के अंदर हैं। कुछ लोग अपनी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं छोटे लम्हे के लिए, कुछ लोग अपनी यूट्यूब स्टार्ट करते हैं ताकि आने वाली उनकी नस्लों को भी देखा जाए, ठीक है। तो बीइंग अ, मैं हमेशा ऐसी कोशिश करता हूँ कि यार ऐसी वीडियो अपलोड की जाए जो आने वाली मेरी को नस्ल है या को मेरी को फैमिली को देखे, किसी को मेरे करैक्टर के ऊपर शर्मिंदा ना होना पड़े। हर बंदा देख के नहीं यार इसने बात ये ठीक की है, ये अपनी लाइफ भी इस तरह, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, जो बात करनी होती है, जो सोच सोचनी होती है ना, बड़ी ईजी होती है। जब उसको प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आते हैं ना, तो वो छोटा सा पोर्शन रह जाता है जिसके ऊपर आप अमल करते हैं। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि हमें सोचना नहीं चाहिए, अच्छी सोच का ही नतीजा अच्छा होता है। तो वो बताने का मकसद है, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, इसको कम से कम आप 24 घंटे लगा लें। एक वीडियो जो मैं अपने चैनल के ऊपर 24 घंटे मुझे लगते हैं उसके लिए, ये नहीं कि उसके ऊपर पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन को टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम मैं इस चीज़ को लगाता हूँ कि यार मैं कौन से अल्फाज का चुनाव करूँ, ठीक है। कोई ये ना हो किसी की दलदली हो या कोई लैंग्वेज गलत हो जाए, ठीक है, तो मैं उस चीज़ को बार बार दोहराता हूँ। क्योंकि हम सही पूछो तो ना अपना इतना बड़ा सेटअप है, ना मैं एडिटिंग पे ज़्यादा टाइम ज़ाया करता हूँ। मैं अपनी हर वीडियो एक क्लिक के थ्रू बनाता हूँ, जब स्टार्ट करता हूँ और एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज़ पहले सोची होती है कि यार कहाँ पे किस अल्फाज का चुनाव करना है। अब ये वाली चीज़ मुझे फ़ायदा भी देती है, इसलिए कि मुझे अपनी हर वीडियो जो अपलोड की होती है उसके हर लफ्ज़ हर चीज़ के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंट होता है। ये नहीं कि मैंने कैमरा उठाया, कैमरा उठा के बोलता गया और बाद में मैंने देखा कि नहीं यार ये बात करने वाली नहीं बनती थी, चलो यार आप वीडियो बना दिया तो अपलोड कर दें। तो भाई ये बीइंग अ यूट्यूबर होते हुए आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर कोई मेरा भाई यूट्यूबर देख रहा है तो काइंडली अपने कंटेंट के ऊपर ना थोड़ा ध्यान दे। क्योंकि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान के ना एक फेमस रोस्टर, रोस्टर का मतलब कि दूसरों को रोस्ट करना, उनकी गलतियाँ निकाल के बताना, डकी भाई उसका नाम था, लोग जानते हो या नहीं जानते हो। वो आज से 5-10 साल लोगों को रोस्ट किया करता था कि यार ये क्या किया, ठीक है। अब उसने खुद शादी की, अब वो खुद व्लॉगर बन गया, तो अब वो कह रहा है लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो ठीक है। तो मेरे बताने का मसला है कि यार यूट्यूब के ऊपर चीज़ें ऐसी अपलोड की गई हैं कि कल को बंदा पीछे मुड़ के देखे ना तो बंदे को शर्मिंदगी ना हो। तो ठीक है, अल्फाज का चुनाव अगर कहीं पे गलती है उसको अपलोड ना करो यार। आई नो व्यूज़ के लिए लोग करते हैं, मैं एक चीज़ बताऊँ, 25-25-25-24-24 मिनट की वीडियो बनाओ ना तो फिर कुछ यूट्यूब से पैसे मिलते हैं, ठीक है। और उसके लिए आरे लगाना पड़ता है, उसको कहते होते हैं क्लिक बेट। क्लिक बेट चीज़ होती है कि आपने थंबनेल किसी और चीज़ का लगाया और वीडियो किसी और चीज़ के मतलब बना दी। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि यार सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन वाली बात है वो लोगों को बताई जाए, क्योंकि बीच में आधे लोग वीडियो स्किप करके चले जाते हैं। और बीइंग अ बताऊँ, मेरी वीडियोज़ का फ़ायदा ये है कि मोस्टली आप लगा के अपना काम भी करते रहें तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो ये वाला सीन है। अच्छा, YouTube के ऊपर एक और भी चीज़ होती है जो आप लोगों ने खुद डिस्कस करनी होती है। काइंडली जो हमारे बुजुर्ग थे ना, जो बड़े हैं आज से, जैसे मेरे वाला साहब हो गए, उनकी जो एज है ना, वो ग्रो अप हुए वो टीवी देख के हुए थे। और उसका नुकसान क्या हुआ था, को एक जो टीवी का एंकर था ना, वो हर टॉपिक के ऊपर बात करता था। डॉक्टर की बात हो वो तब कूद पड़ा, साइंटिस्ट की बात हो तब कूद पड़ा, तो इस तरह वो लोगों को मिसगाइड करते हैं। इसी तरह लोगों, मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हर यूट्यूबर की एक खसूसियत होती है, ठीक है। वो किसी टॉपिक के ऊपर बात कर सकता है, किसी के ऊपर नहीं बात कर सकता, किसी टॉपिक के ऊपर उसे बहुत ज़्यादा अबूर है, किसी टॉपिक के ऊपर उसे बिल्कुल अबूर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मकसद बनता है कि आपने किसको देखना है, किसको कब देखना है, किसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। तो हम भी इसी तरह करते हैं यार, मुझे पता होता है कि यार ये बंदे की एक्सपर्टाइज इस मामले में ज़्यादा है तो ये इसमें बेस्ट है, अच्छा ये वाला बंदा उस काम में वीक है इसमें ज़्यादा है। तो कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि यार अब वीडियो का सेकंड पार्ट इसी बात से शुरू करने लगा हूँ कि यार आप बिजनेस वीज़ा या इन्वेस्टर के बारे में नहीं बताते। यार उसके मतलब मैं जवाब ये दूंगा, ठीक है, जवाब मेरा बड़ा आला है कि मैंने अभी तक यहाँ पे खुद कुछ काम नहीं किया।
ठीक है, तो मैं आप लोगों को मशवरा नहीं दे सकता। और दूसरा, मैं आप लोगों को माहौल पहले बताना चाह रहा हूँ, माहौल सबसे जरूरी होता है, कारोबार सेकंड चीज पे आता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग शादी करके आते हैं उन लोगों के लिए कारोबार स्टार्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहले ही बड़े हालातों वाकयात ऐसे हो चुके हैं। मुझे एक चीज बताओ, मैं आप लोगों को बताता हूँ लोगों का जमाने का रुझान किस तरह चलता है। मैंने आपको बुलाया, मैंने आपके वीजे के ऊपर 70,000 रुपया लगा दिया एवरेज, ठीक है। जो चीज थी 40-45,000 रुपये पाकिस्तानी की, मैंने आपका उसके ऊपर 70,000 लगा दिया, ठीक है। मैंने आपको काम भी स्टार्ट करवा दिया अपनी बेवकूफियों की वजह से। मुझे बताओ वो चीज आपको फायदा देने लगी है? मैं कहूंगा कि यार ये देखो मैंने आपको दुकान बनवा दी है, ठीक है, और अब आपका काम है चलाना। तो जो आपका शुरू में कैपिटल लगना था 2 लाख रुपया, मैंने वहां पे आपका 5 लाख वेस्ट करवा दिया। मुझे बताओ वो 3 लाख कहीं जस्टिफाई होगा? तो यार बड़ी चीजें हैं मेरे, हाँ इंशाल्लाह ताला मेरा फ्यूचर का प्लान है, लेकिन उससे पहले मैं जुबान सीखूंगा। जुबान सीख के मैं दुकानदारों के पास जाऊंगा, ठीक है, और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि यार वो क्या कह रहे हैं। मेरे जैसे सवालात होंगे, जवाब उनके होंगे, तो मैं कभी भी नहीं इस तरह की वीडियो अपलोड करूंगा। मेरे अपने सवाल हों दुकानदारों से और मैं अपने वहां पे जवाब दे दूं, असल चीज उनको पता ना चले। यार दो बड़े नजरिए अहम होते हैं। हम देखते हैं किराने के अंदर हमारे चचा या फुफा की दुकान है, फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं यार इसने किराना स्टोर बनाया हुआ है, अच्छा चलता है। लेकिन जब आप उसके पास बैठेंगे, उससे अंदर वाले पूछेंगे, तो वो आपको 4-5 हाईलाइट पॉइंट करेगा। वो कहेगा कि यार मैं 16-14 घंटे ड्यूटी देता हूँ, आप लोग 8 घंटे ड्यूटी करके आते हैं। दूसरा वो कहेगा कि यार गांव में दुकान है, ठीक है, तो लोग ज्यादातर उधार लेके जाते हैं, जब पैसों की बात आती है हमें सैलरी का वेट करना पड़ता है। चलो उसमें कुछ चीजें अच्छी हो जाती हैं, लोग खरीदते हैं। फिर वो आगे से कहेगा कि यार दुनिया चेंज हो रही है, वो लोग मार्ट वगैरह से ले आते हैं, शहर में सस्ती प्राइसेस मिल जाती हैं, अब ऑनलाइन का कारोबार है। तो अब जो मैं 10 साल पहले कमा रहा था ना, अब वो नहीं कमा रहा, लेकिन मुझे और को काम आता नहीं, इसलिए मैं यही दुकानदारी कर रहा हूँ। अब एक चीज को समझिएगा कि उसने कितने सारे सवालों के जवाब दे दिए जो आपको नहीं पता था। आपको नहीं पता था कि यार इस दुकान के लिए मुझे 14 घंटे बैठना पड़ेगा, जबकि आपकी एवरेज बैठने की 9 घंटे है। तो हर चीज की एक कैलकुलेशन होती है, जो वही बंदा बता सकता है, और वो इस तरह बता सकता है अगर आपको पूछना आता हो। अगर आपको पूछना नहीं आता, आप उसकी दुकान के बाहर खड़े होकर जिस कैमरा उठा के वीडियो बना देंगे, तो उसके सवाल तो आपके पास नहीं आएंगे। इसी तरह इंडोनेशिया के अंदर मैं आपको एक सिंपल सी, जो मैंने रियलाइज किया, यहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़ी बड़ी हैं, सारा चाइना के इन्वेस्टर की तरफ से है। अल्फा मार्ट, मिक्स सोप की बहुत सारी ब्रांचें, एक आम बंदे से इस लेवल तक लेके जाना मना नहीं है। लेकिन इसका ये नहीं मतलब कि इंडोनेशियन लोग कारोबार नहीं करते। मैं आपको ये भी बता दूं, वो लोग कारोबार करते हैं, लेकिन इतना लग्जरी काम के ऊपर तरफ नहीं जाते। जिस तरह पाकिस्तान में हम कहते हैं यार एक बिरयानी की भी दुकान बनानी है बैठने के लिए, अच्छा हो, तो ना उन लोगों का मियार है, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि यार अभी के लिए तो मेरे पास भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स प्रोवाइड कर देता हूँ वेबसाइट के, जिसके ऊपर इन्वेस्टर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा के बारे में बड़ी सारी मालूमात है। बताने का मकसद ये है कि दो चीज़ें बड़ी सेपरेट होती है, एक वहाँ से बैठ के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देनी कितने की चीज़ें हैं। ये ना हो मैं वही आपको बताई है, जो आपका खर्चा आने का यहाँ तक 2 लाख का होना है, दानियल बीच में कूद पड़े और आपको 4 लाख का करवा दे, बाद में आपको कह के ले भाई मेरा काम था आपको बुलाना, आपको चीज़ें बताना, अब आप गले में ढोल लगा के बजाओ, तो ठीक है। अगर आप इंडोनेशिया में आना चाहते हो, सबसे पहले मैं रिकमेंड करूँगा आप इंडोनेशियन जबान सीखें, क्योंकि यहाँ के 90% लोग इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझते, इवन वो एजुकेटेड हों। उसकी एक रीज़न है जो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम तो है ही थोड़े इम्पोर्टेड किस्म के लोग। चाइना जापान में मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी कि जब वो कोई मशीनरी इम्पोर्ट करते हैं ना किसी दूसरे मुल्क से, तो उसके जो स्टिकर होते हैं ना प्रो एंड कॉन्स के, बेनिफिट एंड डी बेनिफिट के, किस तरह उसने ऑपरेट करना होता है, वो उसको अपनी जबान के अंदर लगा के फिर अपने मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या चलने देते हैं। उसकी रीजन ये है कि जो उनका एक आम दस पड़ा बंदा है भी है ना, वो भी उस चीज को समझ सके। तो ठीक है, इंग्लिश आना या दूसरी को आना, इसलिए आप जिस मुल्क में कारोबार करना चाह रहे हैं आप उसकी जबान को सीखे, उसके ट्रेंड को समझे। अब मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी जनरल है, कोई एग्री करे या डिसएग्री करे, गंदम की जो प्रोडक्ट है ना वो यहाँ पे महंगी है, ठीक है, और उसके अलावा ये लोग उसको इतना खाते भी नहीं है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार यहाँ पे आके ब्रेड का कारोबार शुरू कर लो, या मैं आपको आके कहूँ कि केक बनाने शुरू कर दो, ठीक है, मैं या आपको आके कहूँ यहाँ को पिज्जा की दुकान बना लो, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा। उससे ज्यादा आप इसकी मार्केट को समझ के, जो लोग ये चीजें पसंद करते हैं, अगर आप वो बेचेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी अगर इंडोनेशिया के अंदर कारोबार करना है तो वो करें जो ये लोग खाते हैं या पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी पिज्ज़ा या कोई इंटरनेशनल पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आप वही लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो उसको कभी कभी खाना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी का आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे आप वो काम करने की कोशिश करें जो यहाँ पे कॉमन है और लोग उसके ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं। तो ये सारा कुछ रिसर्च से होगा, आपको देखना पड़ेगा जो भी है। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैं इस बात के अंदर इंक्लूड करना चाह रहा था। और एक चीज़ आपको और मैं इसमें इंक्लूड करता चाहूँ, मुझे नहीं पता कि यार मैं अभी तक किसी को नहीं रिकमेंड कर रहा कोई बिजनेस के लिए आए, क्योंकि जहां तक मुझे पता है बिजनेस के वीजे महंगे हैं जब तक आप यहाँ पे स्टैंड बाई नहीं करते, ठीक है। बाकी आपका अपना मामला है, अगर आप होना चाहें तो सो बिस्मिल्लाह। तो मुझे पता है कि यार ये कोई वीडियो कुछ मतलब नहीं बना रही, लेकिन बनाने का मकसद था कि दो टॉपिक्स को हिट करना था कि आजकल ना यूट्यूब के ऊपर एक जंग छिड़ी हुई है, ठीक है, इंडोनेशिया के मामलात में, ठीक है। तो बताने का मकसद है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, पाकिस्तान के न्यूट्रल की मैं भी देखता हूँ, मुझे भी पता है। और अगर कोई मेरे से पूछेगा तो इंशाल्लाह ताला मैं बताऊंगा भी, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। लेकिन अपनी आदत नहीं है किसी को हिट करना, मैं एक इखलाकी दायरे के लिहाज से बता रहा हूँ आप चीज़ों को, कि आप जिस बंदे को फॉलो करते हैं उसकी कैपेबिलिटी को जाने। यार ये मैं अपनी अपनी अपने पे बात कर रहा हूँ कि यार मुझे बिजनेस का जीरो भी नहीं पता, मैंने पाकिस्तान में जॉब्स वगैरह की हैं। मेरे से आप पूछेंगे जॉब कैसे ढूंढनी है पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको ठीक गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे बैठ के कहूँ कि यार ये देखो ये है, हाँ मेरी कोशिश ज़रूर है, कुछ चीज़ों को मैं बड़ा सर्च कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे आके फ्रेंचाइज खरीदते हैं वो उसके मामलात कैसे हैं, लेकिन टाइम ना होने की वजह से या अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उस मामले के अंदर। और मैं आपको चीज़ बता दूँ, दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पहली होती है आपके पास पैसा कितना है, मान लिया आपके पास इनफ पैसा है, फिर यार गवर्नमेंट के मामलात कैसे हैं, मेरा आना जाना वीज़ाबिलिटी कैसा है, जब मैं पैसा लगाऊं तो मैं इन मामलात के अंदर चक्कर पे पड़ नहीं सकूंगा। तो वो तो आप मेरी वीडियो के अंदर लगा रहे हैं, सीधा सा मामला है कि वीज़ा की प्राइस इतनी है वही मिल रहा है। तो बार बार कहने का मतलब अगर आपका काम 2 लाख की जगह 4 लाख में हो आपकी तो आधी इन्वेस्टमेंट यहीं पर ज़ीरो होगी। तो ये है जिन्होंने भी आना है किसी भी मामलात के थ्रू आना है यूट्यूब के ऊपर, बड़े सारे यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं लोगों को यहाँ पे लाऊं मेरे चैनल को फॉलो करने से। मैं नहीं कहता यार मुझे सब्सक्राइब करना, करना है तो दिल से करो और फिर हर वीडियो को देखो, फिर अपना नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ भी कि यार दानियल भैया आपकी यहाँ पे बात थोड़ी इस तरह नहीं, इस तरह कर सकते थे। अगर मुझे फॉलो करना है तो फिर अच्छी तरह भाई फॉलो करो, फिर मुझे अपना रिस्पॉन्स भी दिया करो हर वीडियो के अंदर, यार मुझे पता लगे कि यार मेरे देखने वाले एक्टिव हैं, ये नहीं कि बस देख के चले गए हैं। क्योंकि एनालिटिक्स के अंदर हर चीज़ का पता चलता है, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे फॉलोअर हैं, कुछ यूट्यूबर हैं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ, करूँगा भी कुछ लोगों को लेके आऊँ जो इंडोनेशिया में आए या जिन्होंने कारोबार किया, सक्सेस रेट क्या है, क्या मुश्किल आई। लेकिन आपको भी पता है टाइम लगेगा इन चीज़ों को, उनके साथ बात करनी पड़ेगी। मैं आपको खुद भी रिकमेंड करता हूँ देखा हर किसी को करें, हर किसी को देखा करें, ताकि फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी वीडियो बताऊँ, मैं यहाँ पर बैठ के लोगों को इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। कोई एक दिन स्पेशल टॉपिक पर मैंने पकड़ के उर्दू जबान के ऊपर मैंने बात कर दी तो आपको पता होगी यार ये दानियल इंग्लिश के मामले में बेस्ट है, उर्दू इसके मामलात की बात नहीं है। तो आप बराए मेहरबानी अपना टाइम को, वक्त को, अपनी सोच को ठीक तरीके पे करें। तो ये दो सवालों के जवाब बात थे। और अपने गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर काम करना बनिस्बत आसान होता है दूसरे शहर के, अपने दूसरे शहर के बनिस्बत काम करना आसान होता है दूसरे सूबे के। तो ठीक है, मैं कहता हूँ कि हर चीज़ को ज़ेरे गौर करके, हाँ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सीखने के मतलब, मैंने आपको बताया कि वीज़ा होता है B2-11 है विजिटर का, तो ठीक है ना आपको पता लग गया यार उसकी कैटेगरी, आप खुद सर्च करना शुरू करो, लिखो उसके ऊपर B2-11 है, गूगल के ऊपर लिखो, यूट्यूब के अलग सर्च, वहाँ पे हर दुनिया के हर किस्म के यूट्यूबर होंगे, आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो लोग इंडोनेशिया में बिजनेस करना आता है एक से टर्म लो, उससे पूछो जो बंदा आपको कह रहा है कि यार कौन सा वीज़ा है, ठीक है, फिर उसको सर्च करो कि यार उस वीज़े के फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, उसके थ्रू मैं क्या काम कर सकता हूँ। कई कुछ किस्म के बिजनेस है वीज़े हैं, इन्वेस्टर वीज़ा, वहाँ पे आपको कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसकी एक मखसूस अमाउंट है जो आपको कैपिटल दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल देते हैं कारोबार, आप मैं जहाँ इंडोनेशिया में आया, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट मुझे कहती है कि पहले भाई पाकिस्तान की 20 लाख रुपये की स्टेटमेंट या हमारे बैंक में रखवाओ, फिर आप कारोबार कर सकते हो। तो हर मुल्क की अपनी होती है, तो पहले उसको समझें तो फिर उसके अंदर गोता लगाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो माजरत यार आप लोगों का टाइम ज़ाया करने के लिए, लेकिन चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था।
यार YouTube के ऊपर लोग आते हैं लेकिन बड़ी मिसकम्युनिकेशन है, हर बंदा अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। और दूसरा मैंने अपना बताना था कि यार मेरे पास अभी इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ मैं उन लोगों को गाइड करता हूँ जो यहाँ पे शादी करके आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे मामला आसान हो जाते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं इनकर्ज कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में बैठे हैं आए और इंडोनेशियन लड़कियों से शादियाँ करें। मैं कहूँ ये फ्री गलियों के अंदर फिर रही हैं, कंट्रैक्ट मैरिजेज है भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, दो चीज़ें ना किस्मत वालों को मिलती हैं इकट्ठी, जद्दोजहद करनी पड़ती है। पाकिस्तान के पास लोगों के पास, लड़कों के, मेरे जैसों के पास नौकरियाँ होती हैं, एजुकेशन होती हैं। अब वो रिश्ते लेने के लिए पापड़ पालने पड़ते हैं, पापड़ हाँ जो भी है लफज महावरतन, ठीक है, मकान बना के दिखाना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, फिर लोग समझते हैं हाँ यार ये स्टेबल है। ठीक है, इसके मुस्तरब भी हैं। अगर आपके पास पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है, पैसा है, तो वफा ढूंढनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मेरी बात को समझ रहे हैं ना, तो कभी भी ना एक चीज़ के लिए दूसरे को करें, हाँ सोच से करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और दोनों चीज़ों को जहन में रखें। पैसा है तो वफा कैसे लेनी है, अगर वफा वाली बीवी है तो पैसा कैसे दोनों ने इकट्ठा कमाना है। तो ये दोनों चीज़ों जिसके साथ चलती हैं उसको फ़ायदा होता है, जो एक चीज़ पे गुरूर कर लेता है वो दूसरी पे मार खा जाता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई भी अगर इंडोनेशिया के अंदर कारोबार करना है तो वो करें जो ये लोग खाते हैं या पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप किसी पिज़्ज़ा या कोई इंटरनेशनल पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो आप वही लोगों को टारगेट करेंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो उसको कभी कभी खाना पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी का आप इन्वेस्टमेंट लाएंगे, आप वो काम करने की कोशिश करें जो यहाँ पे कॉमन है और लोग उसके ऊपर पैसा स्पेंड करते हैं। तो ये सारा कुछ रिसर्च से होगा, आपको देखना पड़ेगा जो भी है। तो ये एक छोटा सा आइडिया था जो मैं इस बात के अंदर इंक्लूड करना चाह रहा था।